सो व्हाट्सअप गाइस, किस हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले आप एक न्यू प्लेयर से प्रो प्लेयर कैसे बन सकते हो। एक सेकंड, नूब किसको बोला? हम नूब है मतलब तुम हमें नूब चिढ़ाओगे? हाँ, ऐसे डायरेक्टली नूब कैसे बोल सकते हो? जा रहा हूँ मैं वीडियो छोड़ के। एक सेकंड, क्या मैंने आपको नूब बोला? क्या मैंने आपको सच में नूब बोला? आई एम सॉरी बाबू। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप एक प्रो से लेजेंड कैसे बन सकते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में मैं आज बताने वाला हूँ कि आप प्रो से लेजेंड कैसे बन सकते हो, क्योंकि मैंने आज से पहले दो वीडियो डाल चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको प्रो की टिप्स दी थी और आप प्रो बन भी चुके होंगे। तो अभी बात आता है कि आप लेजेंड प्लेयर कैसे बन सकते हो, क्योंकि प्रो प्लेयर हर एक चीज नहीं कर सकता, हर एक मैच भुया नहीं निकाल सकता, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता है, प्लस वो गेम में कभी कभार जल्दी मर भी जाते हैं। बट एक लेजेंड प्लेयर हर एक मैच भुया निकालता है, वो बहुत ही कम मरता है, नाक के बराबर मरता है। उसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, जो कि हर एक बंदे के पास नहीं होता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप टूर्नामेंट भी जीत के आ सकते एकदम इजीली, और उसी के साथ आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अनडिफीटेड प्लेयर हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आज की वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, अगर आप प्रो हो तो आप बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर भी बन सकते हो। तो देरी किस बात की, बनते हैं एक लेजेंड प्लेयर। उससे पहले ये जो नीचे आपको लाल वाला बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ये बहुत कीमती होता है और इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दिया करो। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते और बनते एक लेजेंड प्लेयर। तो गाइस लेजेंड प्लेयर की तरफ पहला कदम बढ़ाते मींस पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जोन प्रेडिक्शन। अगर आप टूर्नामेंट देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि जोन प्रेडिक्शन क्या होता है। आपने बहुत से टूर्नामेंट टीम को देखा होगा जो पहले ही जोन में चले जाते हैं, जोन बनने से पहले ही जोन में चले जाते हैं और उधर ही जोन बनता है। तो ये जोन प्रेडिक्शन कैसे करते हैं उन लोग, और कोई कोई टीम तो इतना परफेक्टली जोन प्रेडिक्शन करते हैं, लास्ट जोन भी आएगा तो उनको पता रहता है कि इधर ही जोन आने वाला है। तो आप जोन प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो, आप कैसे पता कर सकते हो कि लास्ट जोन इधर बनने वाला है? तो गाइस सबसे पहले तो आपको पीक, नहीं तो क्लॉक टावर, नहीं तो पोची नॉक, नहीं तो अपना जो भीमा शक्ति स्ट्रिप है, इस साइड आप उतर सकते हो, क्योंकि इधर कंफर्म रहता है कि इधर पहला जोन बनेगा। उसके बाद आपको देखना है कि पहला जोन किधर बना है, जैसे कि इधर देख सकते हो इधर पहला जोन बना है, तो आपको देखना है कि कौन से साइड से एरिया कम है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से साइड में एरिया ज्यादा और कौन कौन से साइड में कम एरिया है। तो जिस साइड कम एरिया होता है उस साइड बहुत ज्यादा चांस होता है कि दूसरा जोन उधर बने। तो जैसे कि देख सकते हो कि मैंने मार्क कर दिया है, मुझे लग रहा है कि इधर जोन बन सकता है सेकंड जोन, तो देख सकते हो मैं मार्क करके उधर जा चुका हूँ। फिर मैं वेट किया और देख सकते हो गाइस सेकंड जोन उधर ही बना है। तो गाइस सेकंड जोन बनने के बाद आपको पता करना है कि थर्ड जोन किधर बनने वाला है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि थर्ड जोन किधर बन सकता है? तो गाइस इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एरिया जिस साइड से कम हो उस साइड जोन बन सकता है, और ये भी हो सकता है कि जिस साइड बंदे कम हो मीन जिस एरिया में बंदे कम हो उधर भी जोन बन सकता है। तो जैसे कि देख सकते हो कि मुझे लग रहा है कि इधर जोन बन सकता है, मैंने उधर मार्क किया और मैं उधर गया और जोन उधर ही बना। तो मुझे कैसे पता चला, तो मुझे लगा कि बंदे इधर बहुत कम है तो जोन इधर ही बनने वाला है, और इधर से एरिया भी कम पड़ता है, तो देख सकते हो गाइस जोन उधर ही बना। तो गाइस जो मैंने आपको जोन प्रेडिक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स दिए उससे 100% तो नहीं, बट 80% 85% चांस रहता है कि मैंने जो टिप्स दिया उस टिप्स को अगर फॉलो करके जोन का पता लगाते हो तो उधर ही जोन बनने वाला है। और 20% और 15% चांस इसलिए नहीं होता क्योंकि जो लास्ट जोन होता है और सेकेंड लास्ट जोन होता है वो कभी कभार एनिमीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिस साइड एनिमीज कम होते हैं उस साइड जोन बन जाता है। अभी बिना टावर के अपने दूसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक लेजेंड प्लेयर बनना है तो, वो है गाइस ग्लोअल। ग्लोअल का मतलब ये नहीं कि फास्ट ग्लो लगाना है। अगर आप रैंक मैच खेलते हो तो मैंने बहुत से बंदे लोगों को देखा है जिधर जरूरत नहीं रहता उधर भी ग्लोअल लगा देते, तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि इसका जो नुकसान है आपको लास्ट जोन में होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ जो कि हर एक बंदे के साथ होता है। आपके पास एक ग्लोअल है, सामने एक बंदा है उसके पास कितना ग्लोअल है आपको नहीं पता, आप उसका ग्लोअल तोड़ रहे हो वो आपका ग्लोअल तोड़ता है, आपके पास एक ही ग्लोअल है तो आपका ग्लोअल टूट जाता है और आप ओपन में आ जाते हो, आपको एकदम इजिली मार देता है, आप सामने वाले बंदे को एकदम इजिली भुया दे देते हो। बट अगर आपके पास उधर 4 ग्लोअल या 3 ग्लोअल रहेगा तो आप एकदम इजिली सामने वाले बंदे को मार सकते हो और कवर में जाने के लिए भी यूज कर सकते हो ग्लोअल का। तो आपको सबसे पहली चीज तो सीखना होगा कि ग्लोअल को कैसे बचाए। तो ग्लोअल को कैसे बचा सकते हो, तो ग्लोअल को बचाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एनिमीज ने आपको डैमेज दिया या किसी भी बंदे के ऊपर आप फायरिंग करने जाते हो तो सबसे पहले कवर में चले जाया करो, जो परमानेंट कवर होता है उसके अंदर चला जाया करो, या किसी बंदे ने आपको ज्यादा डैमेज दे दिया तो एक ग्लोअल लगाओ, मेडिकेट मारो, फिर कोई परमानेंट कवर आजू बाजू में दोनों, फिर उधर चले जाओ। तो इसमें जो है आपका ग्लोअल वेस्ट नहीं होता और लास्ट जोन तक आपके पास ग्लोअल बचता है और आप एकदम इजिली भोया निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट जोन में जिस बंदे के पास ज्यादा ग्लोअल रहता है उसके जीतने के चांस 90% रहते हैं, याद रखना हमेशा। इसलिए इस ट्रिक को कभी भी हल्के में मत लेना, ये लेजेंड्स प्लेयर जो है ये छोटे छोटे बात को ध्यान में रखती है और आगे जाके बहुत बड़े टूर्नामेंट भी जीत के आते हैं। अभी बढ़ते गाइस तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको लेजेंड प्लेयर बनना है तो, वो है आपको एनिमीज को डॉज करना आना।
तो ये आपको कब काम आता है? जब आप अकेले बचते हो, आपके सारे टीममेट्स मर चुके हो और आप एक घर में कैंप कर रहे हो और आपके ऊपर पूरी स्क्वाड ने रस मार दिया, तो उधर आप डॉज करके पूरी स्क्वाड को मार भी सकते हो और उधर से भाग भी सकते हो। डॉज मतलब चकमा देना, तो कैसे दे सकते हो चकमा किसी भी बंदे को? इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ, जो कि डॉज करने टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहली चीज तो ये, अगर एनिमीस आपके ऊपर रश मार देता है तो आपको जॉयस्टिक इस्तेमाल करके किसी भी बंदे को मारने की कोशिश नहीं करना। दूसरा चीज ये, एनिमीस आपके पीछे से फायरिंग कर रहा है तो आपको उधर रुक के उसको मारना स्टार्ट नहीं कर देना, आपको भागते रहना, ठीक है? आपको कभी भी रुकना नहीं। आपके सामने में से कोई भी एनिमीस जाता है तो आपको रुक के उधर मारना नहीं, आपको भागते रहना। अगर आपको इसी को क्लिप के साथ समझना है तो आप ये वाले वीडियो जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लिप के साथ अच्छे से समझाया। तो आप जरूर से चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूं। अगर मैं भूल जाता हूं तो आप जरूर से चैनल के ऊपर जाके चेकआउट करके वीडियो देख सकते हो। अभी बढ़ते गाइस चौथे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टम एचयूडी। तो आप बोलोगे कि एक लेजेंड प्लेयर का कस्टम एचयूडी से क्या लेना देना है? तो गाइस एक लेजेंड प्लेयर कभी भी अपने कस्टम एचयूडी में चेंजेस नहीं करता है। मैं ये बहुत से वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई कस्टम एचयूडी में मत चेंजेस करा करो, मत चेंजेस करा करो, फिर भी चेंजेस कर देते। बहुत सारे बंदे लोग को देखा है, जो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग को देखते हैं, उनका गेम प्ले देख के उनके जैसा कस्टम एचयूडी रख देते। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो नया कस्टम एचयूडी बनाओ, उसके बाद बिल्कुल भी मत चेंजेस करो। अगर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अपने कस्टम एचयूडी में तो बिल्कुल भी मत चेंजेस क्या करो। गाइस ये टिप्स आपको सुनने में कुछ नहीं लगेगा, बट आप एक प्रो प्लेयर हो या लेजेंड प्लेयर हो तो आप अपने कस्टम एचयूडी में चेंजेस करते हो तो आपके गेम प्ले में और एक नूब के गेम प्ले में कोई फर्क नहीं रहेगा। अभी बढ़ते गाइस पांचवी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जो कि लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब आप किसी भी बंदे को देख के कितना जल्दी रिएक्ट करते हो, और जो रिएक्ट करते हो सही भी होना चाहिए। तो आप अपना रिएक्शन टाइम कैसे बढ़ा सकते हो और जो रिएक्ट करते हो सही हो वो कैसे पता कर सकते हो, ये आपके पूरे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको नहीं बता सकता, कोई कोई जगह पे आपको फायरिंग करना पड़ता है क्योंकि एनिमीज खुले में रहता है, कोई कोई जगह पे एनिमीज पूरे स्क्वाड के साथ रहता है तो आपको बचना पड़ता है, कैंप करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, वो पूरी तरह से आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और बात रही कि रिएक्शन टाइम कैसे बढ़ा सकते, तो रिएक्शन टाइम बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गेम खेलना पड़ेगा। और सॉरी इस टिप को मैं अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको क्लिप के साथ समझाऊंगा तो और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं आपको, बट मैं अभी आपको क्लिप के साथ समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मैं क्लिप के साथ समझाऊंगा तो 12 मिनट का हो जाएगा, इसीलिए आप चाहो तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के लिए। तो चलो गाइस आज की वीडियो इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले जैसे कि सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस ये वीडियो बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो जल्दी जाके वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा ही देना। और आप मुझसे बात करना चाहते हो, इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए